ये सुबह जब वॉक करके आए ना तब की लेटी है, और आज इसने नाश्ता भी नहीं बना के दिया। नाश्ता भी मैंने खुद ही अंडा ब्रेड कर खा के गुजारा किया। अब ये चली गई दोबारा किचन में। हेलो, ए हुण की हो रहा किचन च? हाँ जी, किचन की हो रहा सर? में ना कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हो रहा है। मैंने कहा था नाश्ता बना दो, उस वक्त जनाब की तबीयत खराब थी, अब तबीयत अचानक ठीक हो गई है। वो मेरा बेटा कह रहा है ना कि मामा कुछ मीठा खाना है, उसके लिए बना रही हूँ। अच्छा जी, अब मजबूरी है, क्या करूँ, बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए तो उठना ही है ना। मैं लेट तो नहीं सकती है। अब मेरे बेटे ने फरमाइश की है कि मामा जी कुछ बना के दो, कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। और मैंने कहा चले, जो जल्दी चीज बनती है ना वो बना देती हूँ। लो जनाब, अब उसने मीठा देखा बेटे ने कह दिया तो उठ गई है। मैंने 10 बार इसे कहा था कि यार वो हल्का फुल्का भी नाश्ता करवा दे, यार नाश्ता करवा दे। नहीं जी, तबीयत ठीक मजबूरी नहीं है, है। चलो मजबूरी है, बच्चा है वो, छोटा सा, वो उसको क्या है, वो भी छोटा सा है, उसको तो नहीं ना पता कि मामा लेटी है, बीमार है। उसने कहा मामा मीठा ही पका दे, वो कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, चाहे बीमार हूँ कोई मसला नहीं है। बच्चों के लिए तो उठना पड़ता है ना, करना पड़ता है बच्चों के लिए, उन्हें क्या पता अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे फिर पता चलेगा ना।